नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री उड़ान चैनल पर। तो हम आज आपको एग्रोनॉमी पढ़ाएंगे। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर आपको पढ़ा दिया है, वहाँ हमने एक 20 नंबर क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। वहाँ पे हमने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि आप लोग कमेंट में उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, कितना प्रतिशत फसल क्षेत्र है। तो आपको आंसर वहाँ करना था, जो उसका सही आंसर था कितना था, 12% था। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एग्रोनॉमी से संबंधित, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो या तो किसी ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं कृषि से संबंधित, या इन फ्यूचर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो अपनी कॉपी पर आप लोग नंबरिंग के साथ में सही और गलत का निशान लगाते जाइए। बाद में ये पता चल सकेगा आपको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, उसको कमेंट में आप जरूर लिख के भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल है जो खरीफ नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है मूंगफली, मक्का, अलसी और धान। सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग करके और उस पर लिख दीजिए अपना आंसर, फिर हम आपको सही सही इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अलसी। देखिए ये सही आंसर हो जाएगा, गा वाला। अच्छा, यहाँ पे जैसे मूंगफली दे रखी है, मक्का है, धान है, ये सब क्या हैं, ये खरीफ ऋतु के हैं। कहाँ के हैं, खरीफ ऋतु के पौधे हैं। अच्छा, ऋतु में जो होती हैं क्या होती हैं, खरीफ, रवि, जायद होती हैं। तो आप लोग मुख्य मुख्य जो प्लांट होते हैं उनको याद कर लीजिए, कौन कौन से रबी में होते हैं। जैसे रबी में आप तंबाकू याद रखिए, बरसीम याद रखिए, ठीक है, अलसी याद रख लीजिए। इस तरीके से आप याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनको याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, गन्ना प्लस आलू की सहफसली प्रणाली है, आपको बताना है गन्ना प्लस आलू की सहफसली जब खेती की जाती है तो किस ऋतु में की जाती है। शरतकालीन ऋतु में, बसंतकालीन ऋतु में, जायद ऋतु की, या वर्षाकालीन ऋतु की। तो ऑप्शन इसका आप लोग सही सही आंसर कीजिए। देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, शरतकालीन। क्या हो जाएगा, शरतकालीन। ठीक है, अच्छा जैसे गन्ने के साथ साथ में और कौन कौन सी फसलों की खेती की जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गन्ने के साथ साथ में हम लोग गेहूं ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं। ठीक है, इन फसलों को बोया जा सकता है। तो ये होता क्या है, जैसे गन्ने के साथ इनको कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है और अलग अलग दोनों फसलों का लाभ हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली फसल की कटाई से पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन में है सहफसली खेती, अविराम खेती, मिलवा खेती, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको सही सही आंसर इसका बताना है, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी लोगों ने सुना है रिले जो क्रॉपिंग होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं रिले, रिले क्रॉपिंग। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक साल में लगभग वही 4 फसलें ली जाती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक फसल कटती है तो तुरंत ही उसी के जस्ट कटते कटते दूसरी फसल बो दी जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने जायद चल रहा है उसमें कोई ऐसी फसल ले ली, जैसे ले ली उर्द ले लिया आपने, ठीक है, जायद में आपने उर्द बो दिया। इसके बाद खरीफ का समय आया तो आपने अगेती वाली मक्का बो दी, क्योंकि मूंग और उर्द जो है कम समय लेती हैं। तो अगली आपने जैसे मक्का बो दी, मक्का जब अगेती थी वो जब कटती है तुरंत, थोड़ा अर्ली ही हमने मान लो आलू की खेती कर ली, तो आलू करेंगे उसके साथ साथ में लेट वाला हम गेहूँ बो देंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 4 फसलें ले सकते हैं। तो उर्द के कटते ही तुरंत मक्का हमने बो दिया, मक्का के हटते ही तुरंत हमने आलू, और आलू के हटते ही क्या किया हमने, गेहूँ की बुआई कर दी। इस तरीके से रिले क्रॉपिंग में खेती की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है, वायु कृषि, जियोपोनिक, हाइड्रोपोनिक, या मोनोपोनिक। तो आंसर आप लोग अपने बुक में लिख लेंगे पहले, फिर हम आपको सही सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक। देखो जो जल में खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है
जो वायु कृषि, तो इसको एरोपोनिक बोलेंगे, जियोपोनिक को बोलेंगे जियोपोनिक ही लिखेंगे इसको, ठीक है, मोनोपोनिक को मोनोपोनिक ही बोलेंगे। अब होता क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, जो जल में खेती की जाती है, बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने पौधे देखे होंगे, जैसे आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा, ठीक ना, वो जल में ही होती है, लेकिन उसको हम ऐसे कह सकते हैं वो फसल नहीं है, हम कोई दूसरी फसल लेंगे जो जल में की जाती है, इस तरीके से उनको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक हो जाएगा। अगला है वह फसली प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप में उगाई जाती हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई आपका फार्म है, ठीक है, वहाँ आपने क्या किया, आप वहाँ पे खेती तो करते ही करते हैं, खेती के साथ साथ में आप वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो घास वगैरह उगती है या कुछ ऐसी फसलें आप बो देते हैं जिससे वहाँ पे बस उसको चुन सकते हैं, मतलब खा सकें। तो खेती के साथ साथ में हम लोग चरागाही फसलों को जब लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं, वन वर्धक बोलते हैं, कृषि वानिकी बोलते हैं, वृक्ष संवर्धन बोलते हैं, या ले खेती बोलते हैं, इसका आपको सही सही आंसर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर जो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ले फार्मिंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस फार्मिंग सिस्टम में लोग खेती तो करते करते हैं, साथ साथ में उसमें जो है पशुओं को चरने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बो दिया जाता है। इसके साथ साथ में जैसे यहाँ दे रखा है कृषि वानिकी, तो कृषि वानिकी क्या होती है भाई, देखिए कृषि वानिकी में हम लोग ले सकते हैं वृक्ष और फसलों की खेती, जैसे वहाँ पे कुछ वृक्ष उगे हुए हैं और उसी साथ साथ में उसके साथ में हमने खेती कर दी, मतलब फसलों की खेती कर दी। जैसे यहाँ दे रखा है वन संवर्धन, वन संवर्धन भाई क्या होता है, तो वृक्ष के साथ साथ में कुछ झाड़ियोंदार खेती करना, तो उसको बोलेंगे वन संवर्धन, और या वृक्ष संवर्धन। यहाँ होगा वन संवर्धन में क्या हो जाएगा, वन संवर्धन में जैसे वन फसलों की खेती की जाती है इसे उसे वन वर्धन कहते हैं, ठीक है। तो वन वर्धन में आपको बताया हमने वन फसलों की खेती, और कृषि वानिकी में हमने आपको बताया वृक्ष और फसलों की खेती, और वन संवर्धन में हमने आपको बताया वृक्ष और झाड़ियों की खेती। ले फार्मिंग में हमने आपको बता ही दिया है क्या होता है, देखो चरागाही फसलों के साथ साथ हम लोग खेती वाली भी फसलें करते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, कह रहा है फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा कारक है जो फसल चक्र के लिए प्रभावी है, मृदा, जलवायु, सिंचाई का प्रबंध, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। भाई देखो कोई फसल के लिए आप ले रहे हो तो मृदा और जलवायु और सिंचाई का प्रबंध तीनों होने ही होने चाहिए, और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो और क्या चाहिए होता है, तो जैसे हम लोगों को उर्वरक भी चाहिए होता है, ठीक, या मान लो कोई खाद चाहिए होंगे जो हरी खादें होती हैं, कोई रसायन यूज करो, पेस्टिसाइड यूज करो, इन सभी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है, कई वर्षों तक एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, सब लोग इसका आंसर दे देंगे। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपके सामने है, एकल फसली जिसको मोनोक्रॉपिंग बोलेंगे, फिर एकमात्र फसली जिसको सोल क्रॉपिंग बोलेंगे, फिर है मल्टीपल क्रॉपिंग जिसको बहुफसली बोलेंगे, फिर है प्योर क्रॉपिंग जिसको बोलेंगे शुद्ध फसली, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर जो आपके सामने है वो है एकल फसली। इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई आपका एक फील्ड है, कोई भी खेत है आपका, तो उस खेत में पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष मतलब जो 12 मंथ का होता है, उस पूरे वर्ष में सिर्फ आपने एक ही फसल ली है, तो उसे बोलेंगे हम लोग मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। अगर हम मल्टीपल जो बहुफसली है इसकी बात करें, तो उसी मतलब खेत में, ठीक है, आपने एक वर्ष में मतलब 12 मंथ जो है, वर्ष मतलब क्या होता है, 12 मंथ का होता है, ये ध्यान रखना, वर्ष ना समझना। एक वर्ष में कितनी फसलें आपने मान लो दो ले ली, जैसे खरीफ की ले ली, फिर रबी की ले ली, जायद की भी ले ली, मतलब गेहूँ ले लिया मान लो, गेहूँ के बाद धान ले लिया, धान के बाद मान लो आपने उर्द ले लिया, तो इस तरीके से बहुफसली होती है, ठीक है। अब जैसे सोल क्रॉपिंग की हम बात करें, तो एक समय में, ठीक है, कोई निश्चित स्थान है, मान लो कोई क्षेत्र है, वहाँ पर एक ही प्रकार की फसल को उपजाना होता है, और क्या होता है कि फसल जो है संघन लेते हैं, थोड़ा अच्छी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट हो गए हैं। अगला है
भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस फसल प्रणाली का है, मतलब कौन सी ऐसी इसमें से फसल प्रणाली है जो सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है, मक्का गेहूं का है या फिर धान गेहूं का है या फिर धान 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 का है या फिर धान और तिलहन का है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा, देखो भारत में आपने देखा होगा मुख्य दो ही फसलें हैं जो सबसे ज़्यादा ली जाती हैं, कौन कौन सी हैं, धान और गेहूं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, धान और गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा विचरण खेती जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं का पर्यायवाची है, झूमिंग खेती, जैविक खेती, यहाँ पर पैर नहीं पैरा खेती, ठीक है, या बरानी खेती। ठीक है, बरानी खेती, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो पहले कुछ समझते हैं इसमें। सही आंसर जो आपका है वो हो जाएगा झूमिंग खेती। क्या हो जाएगा, झूमिंग खेती। होती क्या झूमिंग खेती है, देखो जैसे जो जंगल हैं वहाँ पर जो खेती की जाती है, ज़्यादा बड़े बड़े जंगल हैं तो उन जगहों पे क्या किया जाता है कि कुछ वृक्ष वृक्ष काट के वहाँ पे खेती की जाती है, और जब तक खेती की जाती है जब तक कि उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ठीक है, उर्वरा शक्ति पूरी मेंटेन रहती है, उसमें अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा होता है तब तक तो वहाँ खेती करते हैं। जब लगता है कि वहाँ पे प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गया है तब क्या करते हैं, वहाँ से शिफ्ट करके दूसरे जगह पे जा करके वहाँ पे बोना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं तो उसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, या झूमिंग खेती। जैविक खेती सब लोगों को पता ही है क्या होता है, ऑर्गेनिक मेन्योर का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सस्य विज्ञान का अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है धान गेहूँ मूंग फसल चक्र की फसल चक्र संघनता क्या है। ठीक है, तो धान हो गया, गेहूँ हो गया, मूंग हो गया, इन तीनों की बताना है फसल चक्र फसल संघनता क्या है। देखो होता क्या है, यहाँ पर बात कर रहा है आपकी क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की। ठीक है, तो ये क्या होती है, होती क्या है, जैसे कि किसी भी एक निश्चित फील्ड पर आपने कोई फील्ड ले लिया, मान लीजिए एक आपका ये 1 हेक्टेयर कोई फील्ड है। ठीक है, अब इसको एक निश्चित क्षेत्रफल है तो इसमें हम देखो जैसे कोई साल भर में खेती कर रहे हैं, मान लो पहले हमने धान कर लिया तो धान क्या होता है 3 से 4 महीने या 5 महीने, 5 महीने तक जाता है, 5 महीने के बाद हमने क्या किया, गेहूं बो दिया, गेहूं बो दिया, वो मान लीजिए मार्च अप्रैल में कट गया, इसके बाद हमने मूंग बो दी, तो ये सब क्या हुआ, 1 वर्ष के अंतर ही हुआ, 1 वर्ष के अंतराल पर हुआ। अब मान लीजिए अगली बार हमको यहाँ से अगर मूंग के आगे हमें बढ़ना है और हमें बोना है मक्का, क्या बोना है, मक्का, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा वर्ष इंक्लूड हो गया, दूसरा वर्ष शुरू हो गया। और इसके आगे मान लो मक्का के आगे कुछ और बोना होता है रबी ऋतु का, तो ये इसी में अभी दूसरे वर्ष में ही चलता। ठीक, तो इस तरीके से ये वर्ष काउंट किए जाते हैं और ये फसलें सारी काउंट की जाती हैं। तो चलिए बताते हैं क्या होता है, जब फसल चक्र संघनता निकालते हैं तो नंबर ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों की संख्या ऊपर रख देते हैं, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 3 है, और इनके वर्ष मतलब कितने वर्ष में इनको ग्रो किया गया, तो 1 वर्ष में ही पूरी खेती की गई है, गुणे 100 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फसल चक्र संघनता निकल जाती है। तो इसको काट देंगे क्या हो जाएगा, पूरा 300 ही आ जाएगा, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, 300% हो जाएगा, सही आंसर आपका घा हो जाएगा। अच्छा, एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, एक होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन है ये, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी फसल बोना, दूसरी के बाद फिर तीसरी बोना, इस तरीके से क्रॉप को रोटेट करते हुए बोना होता है। ठीक, अभी अगर हम इंटेंसिटी के बारे में बात बताएंगे तो इंटेंसिटी होता है एक ही क्षेत्र में आप कितनी फसलें ले रहे हैं उन पे नाप निकाला जाता है। चलो क्वेश्चन अगर होगा तो आपको बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है, ऐसी कौन सी मिश्रित फसल की जाए जिससे टमाटर का जो फल बेधक होता है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जैसे दे रखा है, पहला टमाटर और बैंगन, टमाटर के साथ गुलाब की खेती की जाए या फिर टमाटर के साथ गेंदा की खेती की जाए या टमाटर के साथ मिर्च की खेती की जाए, आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए फिर आपको हम सही आंसर इसका बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो जो टमाटर को अगर हमें
इस बेधक से बचाना है तो हमें टमाटर के साथ गेंदा की खेती करनी पड़ेगी। होता क्या है, गेंदा आप जानते हो बढ़िया सुंदर सुंदर से कलर होते हैं, जो येलो कलर में होता है थोड़ा सा, और रेड हल्के से रेड में कलर में आते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जब ये आकर्षित करते हैं तो ये क्या होते हैं, जो बेधक हैं ये इसी पे अपना जाते हैं, इसी पे अपने अंडे देते हैं, इसी पे मतलब पूरा नियंत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए गेंदा की खेती करना सबसे उपयुक्त रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक भूमि पर एक ही वर्ष में दो से अधिक फसलें लेना कहलाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग इधर है। एक भूमि पर एक ही वर्ष में दो से अधिक फसलें लेना कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, अभी हमने आपको बताया, ध्यान से सुना होगा तो शायद आंसर कर देंगे आप लोग। पहला है यहाँ पे कह रहा है रिले क्रॉपिंग, फिर है मल्टीपल क्रॉपिंग, फिर है मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, खा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ रिले हमने आपको जस्ट अभी बताया था कि मान लीजिए आप मूंग से शुरुआत करते हैं, मूंग आपने बोया तो ये जायद की हो गई, फिर आपने अगेती मक्का बो दिया, ठीक है, तो ये फिर अगेती आपने आलू बो दी, फिर मान लो लेट में आपने तुरंत जा करके गेहूं बो दिया, तो एक के बाद एक तुरंत मतलब एक फसल तैयार हुई कि तुरंत मतलब उसकी उसी की नमी उसी की चीज़ों को यूज करके हमने तुरंत मक्का बो दिया, तुरंत ये कट्टी हमने तुरंत आलू बो दिया, तुरंत आलू आपने निकाली उसके बाद में तुरंत आपने गेहूं बो दिया। तो रिले क्रॉपिंग में होता है एक वर्ष में लगभग चार फसलें ली जाती हैं तुरंत, जैसे रिले दौड़ होती है ना, एक आदमी दूसरे को कवर करता रहता है, तुरंत उसके बाद दूसरा दौड़ता है, फिर तुरंत उसके साथ तीसरा शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से रिले क्रॉपिंग की जाती है। रिले दौड़ पे ही इसको लिया गया, पूछा जाता है रिले क्रॉपिंग किसकी अवधारणा पर लिया गया है, तो रिले दौड़ पे ही लिया गया है। अब बात अगर हम यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग की करें, जो आपका सही आंसर है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो हमने आपको बताया कि जैसे एक कोई क्षेत्र है, ठीक, उसमें आपने अगर मान लो एक वर्ष में 12 महीने का होता है, उसमें अगर एक फसल ली तो मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा, आपने दो या दो से तीन ले ली फसलें तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग कह देंगे। तो बस इतना सा अंतर है, एक फसल ली तो मोनोक्रॉपिंग, दो या दो से अधिक फसलें ले ली तो उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। अब बात क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, फिर देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे आपने एक कोई क्षेत्र लिया और उसी क्षेत्र में मान लो कि आप तुमको बोना है सरसों और गेहूं बोना है, मान लीजिए सरसों और गेहूं के बीजों को आपस में मिक्स कर दिया और छिटकवा तरीके से बो दिया या किसी तरीके से बो दिया, तो वो मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। ठीक है, इसी को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं, लेकिन एक ही समय में ये होता है, इसका समय निश्चित होता है। अगर खरीफ ऋतु में कर रहे हो तो खरीफ ऋतु में ही करोगे, अगर रबी ऋतु में ले रहे हो तो रबी ऋतु में ही लोगे, अगर जायद में ले रहे हो तो जायद में ही लोगे। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है आपका सीजन चेंज हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल क्रॉपिंग सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 33, कह रहा है LEISA किससे संबंधित है, तो ये क्या है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है मॉडर्न कृषि, दूसरा है एग्रो फार्मिंग, तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, चौथा है इनलैंड फिश फार्मिंग। तो इसका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लो एक्सटर्नल इनपुट मतलब जो आपके बाहरी स्रोत हैं, बाहरी स्रोतों को ना के बराबर यूज करना, बिल्कुल थोड़े से यूज करना, और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ खेती उसी से करना। तो आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या किया जाता है, जैसे भाई गोबर की खाद दे दी गई और उसमें कोई रसायन नहीं दिया गया, कम लागत हो गई गोबर खाद की, तो कम लागत पे अधिक उत्पादन लेना ही ये इसका मेन पर्पज होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से आंसर का क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बहुत ना के बराबर चीज़ें यूज की जाती हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन पाने के लिए जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, इसी को हम लोग LEISA से संबंधित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी एक में यांत्रिकी फसल कौन सी है, मतलब कौन सी ऐसी फसल है जो मैकेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा आती है, गन्ना है, मक्का है, धान है, या गेहूं है, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें कृषि वाले यंत्र सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो वो है आपके सामने यहाँ पे गेहूं। क्या हो जाएगा, गेहूं, गेहूं में बहुत सारे यंत्रों का यूज किया जाता है,
ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, खड़ी फसल से कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की बुआई को क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहते हैं, मध्यवर्ती खेती कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम जो क्रॉपिंग सिस्टम है वहाँ से भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सही सही आंसर करिए। ऑप्शन में आपके सारे हो ही गए हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। अभी देखो हमने रिले क्रॉपिंग पढ़ा था और ये है ओवरलैपिंग, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे सही आंसर आपका हो गया ओवरलैपिंग। हमने जब रिले आपको बताया था तो बताया था एक के बाद एक, मान लो यहाँ बताया जो भी मूंग और मक्का आलू और उसका एग्जाम्पल दिया था, तो एक के बाद एक हमने लिया था यहाँ पे तुरंत, लेकिन ये मान लो एक दूसरे को हम ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे को मतलब टच कर रही हूँ। आप ओवरलैपिंग में होती, मान लीजिए ये कोई फसल की गई, अब ये पकने की स्टेज पे है तो पक्की नहीं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ दूसरी फसल ग्रो कर दी, ये भी नहीं पकी है, उससे पहले हमने तीसरी फसल ग्रो कर दी, अब ये भी नहीं पकी, हार्वेस्टिंग टाइम आया नहीं, लेकिन उससे पहले हमने चौथी फसल ग्रो कर दी। मतलब एक फसल कंप्लीट होने से पहले हमने दूसरी शुरू कर दी, दूसरी के कंप्लीट होने से पहले तीसरी, तीसरी के कंप्लीट होने से पहले चौथी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इतना सा ये जो एरिया बच रहा है, मान लो कि कुछ समय जो बचता है हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले पहले, तो खेत में दूसरी फसल बो दी जाती है। अच्छा, इसमें किया क्या जाता है, जो खेती की जाती है वो रो टू रो की जाती है ज़्यादातर, तभी ये सक्सेस है। जब आप रो टू रो करेंगे जब ही ये सक्सेस हो पाएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने बुआई की थी मक्के की ही, हम मान लेते हैं अगर आपने मक्के की बुआई कर दी है, तो थोड़ा सा लाइनों में आप उनको बोइए और डिस्टेंस उसकी ज़्यादा रखिए, तो मक्का कटने से पूर्व पूर्व आलू जब उनके बीच में जो जगह है वहाँ पे आलू आप ग्रो कर दीजिए, तो मक्का कटा नहीं उससे पहले आपने आलू कर दिए गए थी, बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएगी, तो ओवरलैप करती हैं तो उसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। मिश्रित खेती अभी आपको हमने जस्ट बता दी, ठीक है। मध्यवर्ती शुष्क खेती, जो खेतों में क्या होता है शुष्क खेती, मतलब जहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं कम है वहाँ पे खेती की जा रही है शुष्क खेती हुई, तो ये सभी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 36, कह रहा है रिसेशन फार्मिंग क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए रिसेशन फार्मिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है ए ऑप्शन आपके सामने, असामान्य परिस्थितियों में आंशिक उपज प्राप्त करना, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए शीघ्र बढ़ने वाले पौधों की खेती करना, या कृषित फसलों के बाद 2 वर्ष चरागाह रखना। तो यहाँ जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद में उसमें जो फसलें ली जाती हैं उसी को बोलते हैं रिसेशन फार्मिंग। मतलब जब बाढ़ आई और बाढ़ का जब पानी पूरा निकल गया, जो वहाँ पे पोषक तत्व आए थे बढ़िया, वहाँ पे प्रोडक्शन मिलता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिसेशन फार्मिंग। दियारा फार्मिंग भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। दियारा खेती का नाम सुना होगा, वो यही है रिसेशन फार्मिंग या दियारा खेती, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषक तत्वों को बढ़ाता है? देखिए ऐसा कौन सा इसमें से फसल चक्र जो मृदा की उर्वरता को बढ़ा रहा है? ऑप्शन में है आपके सामने ज्वार गेहूँ, दूसरा है बाजरा गेहूँ, तीसरा है आपका धान गेहूँ, चौथा है मूंगफली गेहूँ। अच्छा देखिए, जो वातावरण से नाइट्रोजन को एकत्रित करता है पौधा, वही जो है इसकी जो है पोषक तत्वों को बढ़ा सकता है। तो इसमें कौन सा ऐसा पौधा है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? तो आपका बचता है मूंगफली, ठीक है। बाकी धान बाजरा ये सब कुछ नहीं करते हैं। मूंगफली में क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ठीक ना, वो क्या करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं भूमि में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, घा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा मक्का आलू तंबाकू की सस्य सघनता होगी, मक्का आलू और तंबाकू की इनकी बतानी है सस्य सघनता कितनी होगी। अब यहाँ सस्य सघनता क्राप चक्र सघनता जो है उसी से लिया गया है, इसको जो क्राप चक्र सघनता होती उसी से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था, जैसे देखो मक्का आपने कब लिया भाई, मक्का आपने लिया अगेती मक्का ले लिया, फिर आलू ले ली और फिर आपने तंबाकू ले ली, तो फसलें तो हमारी हो गई कितनी, तीन, ठीक है। और वर्ष भी हमारे कितने हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, तो तीन फसलें हो गई, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स 3 हो गई, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हो गए, एक हो गए। और गुणे क्या करना होता है, 100 करना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 300% यहाँ पर इसकी
सस्तनता रहेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं कम समय वाली फसलें, लंबे समय वाली फसलें हैं, रोगरोधी फसलें या नमी दबाव रोधी फसलें। शानदार क्वेश्चन है। आपको पता होगा जब कैच क्रॉप के रूप में अगर कोई फसल ली जाती है तो कौन सी ली जाती है, दलहनी ली जाती है जो कम अवधि वाली होती हैं, तो कम समय वाली यहाँ पे हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, कम समय वाली फसलें होती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कह रहा ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने हैं, रिले क्रॉपिंग, दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, तीसरा है एले क्रॉपिंग, चौथा है मिश्रित क्रॉपिंग। सही आंसर आपको कमेंट में भी बताना है, आप लोग अपने बुक पे भी नोट कर लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एले क्रॉपिंग। क्या होता है एले क्रॉपिंग, देखिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हमने रिले को कई बार अभी हमने देख लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में आपको कई बार बता दिया और मिश्रित क्रॉपिंग के बारे में भी कई बार बता दिया। ठीक है, अब कमेंट में आपको लिखना है एले क्रॉपिंग क्या होती है, उसका पैटर्न पूरा लिख के आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अगर नहीं आप लोग बता पाएंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको समझा देंगे। ठीक है, तो आज के ये पूरे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। इसी तरीके से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने आपको बोला है कि 500 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराएंगे एग्रोनॉमी के, और जो भी क्वेश्चन होंगे टॉप क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल जो एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेके आएंगे। आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को मैक्सिमम अपने साथियों तक शेयर कीजिए। देखिए आप सभी कृषि छात्र हैं और अपने ही साथियों का सपोर्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, तो सभी साथियों तक भेजिए और उनसे बोलिए कि यहाँ पे आपको शानदार क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। ये क्वेश्चन हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, और कोई अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सजेशन देना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।